हेलो स्टूडेंट्स, यू आर अगेन वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, क्या आपको मैजिक पसंद है? सपोज वंस यू वेंट टू अ लैंड दैट इज कम्प्लीटली मैजिकल। उस लैंड में वो हर चीज है जो आप चाहते हैं। द माउंटेन्स ऑफ दैट लैंड आर मेड ऑफ चॉकलेट्स। वहाँ की रिवर में कोल्ड ड्रिंक बह रही है और वहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल ट्रीज है जिनमें कैंडीज लगी हुई है। आप उस लैंड में घूमने लगे और एंजॉय करने लगे। कुछ दूर चलने पर आपको कुछ एनिमल्स मिले जो कि आपसे बातें कर सके, आप उनकी लैंग्वेज समझ सके और वो आपकी। सब कुछ कितना अच्छा लगेगा ना। एवरीथिंग विल बी फुल ऑफ मैजिक। अच्छा, अब फुल डे एंजॉय करने पर अचानक आपकी नींद खुली एंड यू गॉट दैट यू वर ड्रीमिंग, तो आपको कैसा लगेगा? The story that we are going to read today is about a girl, जिसका name है Alice. Alice was also wandering in the world of magic. Let's see what happened in her magical world. The name of our story is Alice in Wonderland. One day, Alice was lying under a tree. Alice की sister story read कर रही थी और Alice उसे सुन रही थी। तभी अचानक Alice ने देखा कि एक रैबिट रनिंग करता हुआ उसके पास से गुजरा, बट ही वॉज नॉट नॉर्मल। वो रैबिट बिल्कुल डिफरेंट था। ही हैड पिंक आईज। अच्छा, हैव यू सीन अ रैबिट वेयरिंग अ कोट? बिल्कुल नहीं, बट द रैबिट दैट एलिस सॉ वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट। ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज बेस्ट कोट पॉकेट। रैबिट बहुत ही जल्दी में था। उसने वॉच निकालते हुए कहा, ओ डियर, मैं तो लेट हो जाऊंगा। अब जब वो रैबिट इतना डिफरेंट था तो एलिस अमेज्ड रह गई। उसने खुद से कहा कि ये रैबिट बातें करता है, रेड वेस्ट कोट पहनता है एंड इट कैरीज अ वॉच एज वेल। एलिस ने सोचा, अ टॉकिंग रैबिट, एक रैबिट जो बातें कर सकता है और वेस्ट कोट पहनता है। एलिस उस रैबिट को देखकर बिल्कुल हैरान रह गई। क्या आपको वंडरफुल नहीं लगेगा व्हेन यू विल सी अ रैबिट विद पिंक आईज एंड वेयरिंग अ रेड वेस्ट कोट? बिल्कुल होगा। एलिस उस रैबिट के बारे में सब कुछ जानने के लिए एक्साइटेड थी और उसने रैबिट को फॉलो करना स्टार्ट किया। वो रैबिट कहाँ गया और एलिस उसे फॉलो करते करते कहाँ पहुंची? विल गेट द आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ इट्स टाइम टू मूव टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड एलिस सडनली सी? द आंसर इज, एलिस सडनली सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द रैबिट दैट एलिस सॉ। एंड द आंसर इज, एलिस सॉ अ वेरी डिफरेंट रैबिट। इट वोर अ ब्लू कोट एंड अ रेड वेस्ट कोट। इट हैड पिंक आईज एंड कैरीड अ वॉच। थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज एलिस बर्निंग विद क्यूरियोसिटी? एंड द आंसर इज, एलिस वाज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी बिकॉज The rabbit was in a hurry and Alice wanted to know where it was going. Time for the next task. Now, we are going to describe a picture. The topic is picture description. Here you will get a picture. You have to write sentences describing the picture. The picture is being displayed on the screen. तो अब आप क्या-क्या देख सकते हैं इस पिक्चर में? एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग। तो हम लिख सकते हैं, This is a picture of a beautiful sunny morning. इस पिक्चर में आप और क्या क्या देख सकते हैं? Correct. We can see an old man. What is the old man doing? Old man flowers को color कर रहा है. So we may write, an old man is coloring the flowers. In this picture we can see a mountain and a river. तो इसके लिए हम लिखेंगे, There are beautiful mountains and a river in this picture. और हम क्या क्या लिख सकते हैं इस पिक्चर के अबाउट? हम लिख सकते हैं, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। देयर आर ट्रीज इन दिस पिक्चर। द फ्लावर्स आर सो कलरफुल। अच्छा, वेयर इज द ओल्ड मैन सिटिंग? नियर द हाउस। तो हम सेंटेंस लिखेंगे, द ओल्ड मैन इज सिटिंग नियर द हाउस। नाउ इट्स कम्प्लीट। हमने इस पिक्चर को देखकर इतने सारे सेंटेंसेस लिख दिए। यू नो व्हाट, ऐसे ही सिंपल से छोटे सेंटेंसेस लिखकर आप ये पिक्चर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। ओपन योर नोटबुक एंड नोट डाउन द क्वेश्चंस यू आर गेटिंग फॉर होमवर्क।
क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वॉज एलिस लाइंग? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द रैबिट कैरी? क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वॉज द रैबिट डिफरेंट फ्रॉम अदर रैबिट्स? फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड एलिस फॉलो द रैबिट? नाउ इट्स टाइम टू एंड द वीडियो, सो कंप्लीट योर होमवर्क एंड कीप ऑन लर्निंग. बाय.